सभी जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, आज हम आए क्वांटम इलेक्ट्रिक की शोरूम में और ये है क्वांटम इलेक्ट्रिक का मॉडल, जिस मॉडल का नाम है बिजनेस। ये देखिए बिजनेस लिखा हुआ है, ठीक है, इस मॉडल का नाम है बिजनेस और कंपनी का नाम है, इधर फ्रंट साइड पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वांटम कंपनी है, ठीक है, और बहुत ही अच्छी गाड़ी है। और चलो अब स्टार्ट करते हैं, गाड़ी के बारे में रिव्यू जितना हो सके उतना मैं आपको मेरे तरफ से पूरी गाड़ी की जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं, अपने को गाड़ी के साथ दो चाबी मिलेंगी और इसके साथ अपने को रिमोट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये दो चाबी इधर लगा के अभी हम चालू कर देते हैं इसको। ये हमने चालू कर दिया है, ये देखिए अभी इसका डैशबोर्ड है और बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड है इसका। और इसके अंदर अपने को ये स्पीडोमीटर वगैरह मिल जाता है, इधर बैटरी का परसेंटेज मिल जाता है अपना, ठीक है। और इधर अपना गाड़ी कितनी किलोमीटर चली हुई है वो दिख जाता है अपना। और इसके अंदर गियर सिस्टम मिलता है, गियर वन और गियर टू, दो गियर मिलती है अपने इसके अंदर। और अभी गाड़ी फर्स्ट गियर पे है, फर्स्ट गियर पे अपने को स्पीड मिलती है और गाड़ी अभी चालू है, रेडी लिखा हुआ है इधर, ठीक है। फर्स्ट गियर पे अपने को स्पीड मिल जाती है 44 की, ठीक है। देखिए गाड़ी चालू है, आपको मैं दिखा देता हूँ, और बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बिल्कुल भी नॉइस नहीं है गाड़ी के अंदर। और अभी हम शिफ्ट करते हैं सेकंड गियर पे, गाड़ी को चलाते ही हम गाड़ी को गियर में शिफ्ट कर सकते हैं। और शिफ्ट करने के लिए इधर बटन आएगा अपना, एम लिखा हुआ, ठीक है, मोटर यानी कि मोटर का पावर चेंज करने का है। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये इधर सेकंड हो गया और इसकी स्पीड भी बढ़ गई है, 54 आ गई है। देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, टायर गाड़ी चल रही है अभी, ठीक है। और ये भी हमने नॉर्मल कर दिया, ठीक है। और हेडलाइट चालू करने का अपना राइट साइड में इधर सॉकेट मिल जाएगा अपना, ये भी हेडलाइट मैंने चालू कर दिया, आपको हेडलाइट दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छी हेडलाइट है इसकी, ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ, मैं निकाल के दिखा देता हूँ इसकी रोशनी कितनी है आपको। ये देखिए बहुत ही अच्छी रोशनी है इसकी। और अपने को इधर लेफ्ट साइड में इसके अपर डिपर के स्विच मिल जाते हैं गाड़ी के, ये अपने को लेफ्ट साइड में मिलेंगे इधर अपर टिपर के, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सामने इसकी रोशनी, आपको दीवार पे दिख रहा होगा, ठीक है। और जैसे ही लेफ्ट साइड के नीचे में अपने को इंडिकेटर के स्विच मिल जाएंगे, जैसे ही राइट साइड, ये देखिए इंडिकेटर भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, क्वालिटी वगैरह इंडिकेटर के बहुत अच्छे हैं। और अभी हम इसके आ जाते हैं, इंडिकेटर के नीचे अपने को हॉर्न का स्विच मिल जाएगा और हॉर्न क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। और अभी हम हेडलाइट को बंद कर देते हैं और हेडलाइट के नीचे अपने को राइट साइड में मिल जाएगा अपने को यूएसबी मोबाइल चार्जर सॉकेट, इधर से हम अपना मोबाइल चार्ज वगैरह कर सकते हैं। इधर यूएसबी केबल डाल के मोबाइल और चार्ज करके इधर रख सकते हैं, अपने को स्पेस भी मिल जाता है इधर रखने के लिए मोबाइल वगैरह, और इधर पानी बॉटल रखने के लिए सामने स्पेस मिल जाता है, ठीक है। और अभी आ जाते हैं हम सामने गाड़ी के साइड में, सामने के साइड में अपने को मिल जाते हैं दो शॉक अब्जर्व, सामने के साइड में दो शॉक अब्जर्व मिलते हैं और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं अपने को, सामने और पीछे दोनों टायर ट्यूबलेस है। और सामने भी अपना डिस्क ब्रेक मिल जाएगा अपने को गाड़ी के साइड में, देख लीजिए आप, डिस्क ब्रेक आ जाएगा सामने अपनी गाड़ी को, ठीक है। और अपने को बैक साइड में भी डिस्क ब्रेक मिल जाएगा गाड़ी को, ये देखिए बैक साइड में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बैक साइड में भी अपने को डिस्क ब्रेक मिल जाएगा और ट्यूबलेस टायर है आगे पीछे दोनों, और पीछे भी दो शॉक अब्जर हैं। और लेडीज फुट रेस्ट मिल जाएगा बहुत ही मजबूती से, ये देखिए बहुत मजबूत बनाया हुआ है, डायरेक्ट इसको चेसिस से ही वेल्डिंग किया हुआ है, बहुत मजबूत है, चाहे आप इसके ऊपर खड़े हो जाओगे तो भी ये बेंड नहीं होगा, दोनों साइड मिल जाएगा अपने को, राइट और लेफ्ट साइड में दोनों साइड फुट रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये इधर एक राइट साइड में और इधर एक लेफ्ट साइड में। और सबसे पहले अभी हम आ जाते हैं गाड़ी के सीट के ऊपर, अभी यह है लोडिंग गाड़ी, जैसे कोई दुकान वगैरह के लिए, जैसे अपनी हीरो की वगैरह आती है, बहुत सारी कंपनी आती है, लेकिन उनके टायर आते हैं छोटे 10 इंच के आते हैं, और ये अपनी क्वांटम इलेक्ट्रिक के टायर आते हैं 12 इंच के, और सामने भी डिस्क ब्रेक है और पीछे भी डिस्क ब्रेक है, दोनों जगह अपने को डिस्क ब्रेक मिलेंगे, ठीक है। और अपना ये सीट, इसकी पीछे की सीट खुलती है ऐसे पकड़ के लोग, तो ये अपनी सीट खुल जाएगी और ये अभी पीछे स्पेस हो गया, अपने को इधर पीछे कुछ रखना हो या सामान वगैरह कार्टून बॉक्स वगैरह रख के हम इधर से रस्सी वगैरह भी बांध सकते हैं, ठीक है। और ये अभी अपनी बन गई है कार,
हम इसको अभी कार की तरह भी चला सकते हैं, जैसे कार में बैठ के चलाते हैं, कार में स्टेयरिंग ऐसा होता है और बाइक में स्टेयरिंग ऐसा, लेकिन फीलिंग लाइक कार है ये, ठीक है। और अभी इसको सीट को बंद करने के लिए हमें क्या करना है, साइड से ऐसा उठाना है ऊपर और बस छोड़ देना है और ये सीट हो गई लॉक अप में, ठीक है। और अभी हम आ जाते हैं इसके डिक्की के अंदर। तो अभी इधर से अपनी डिक्की खुलती है, ठीक है, ये अपनी डिक्की खोल दी है हमने। तो डिक्की के अंदर तो बिल्कुल स्पेस ना के बराबर है, कुछ आता नहीं है डिक्की के अंदर, ठीक है। डिक्की के अंदर अपना गाड़ी का चार्जर पड़ा हुआ रहता है बस, और कुछ थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट वगैरह आ जाएंगे। मैं अपने को चार्जर दिखा देता हूँ, ये क्वांटम इलेक्ट्रिक का चार्जर आएगा, ठीक है। और अपना इधर परसेंटेज भी दिखा देगा चार्जर के अंदर भी, कि भाई अपनी गाड़ी कितने परसेंटेज पे चार्ज हो रही है। 1.5 यूनिट में बैटरी अपनी फुल चार्ज हो जाएगी, और फुल चार्ज होने के बाद अपनी गाड़ी 100 किलोमीटर चलेगी। ये बैटरी है, इधर बैटरी लगी हुई है, बैटरी निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसको बोल्ट लगा के टाइट किया हुआ है, फिट किया हुआ है, ठीक है। 1.5 यूनिट में बैटरी फुल चार्ज होती है अपनी 0 to 100, ठीक है। और इसको चार्ज करने के लिए अपने बैटरी को 4 से 4.5 घंटे लगेंगे, और जो तो 100% पूरी चार्ज हो जाएगी। और चार्जर में भी अपना इधर परसेंटेज दिखा देगा, और जैसे ही रात में लगा के सो गए, जैसे ही इतने गाड़ी को जितना करंट चाहिए उतना करंट लेके 100% पूरा होने के बाद चार्जर ऑटो कट हो जाएगा, जैसे कि मोबाइल की तरह, जैसे मोबाइल में हम चार्जिंग लगाते हैं, जैसे 100% कंप्लीट हो जाता है ऑटो कट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई हम अपने को देखना है 100% हो गया कि अभी निकालना है वगैरह, वो प्रॉब्लम नहीं है। और इधर एक आती है अपनी MCB, समझ लो आप कहीं गाँव वगैरह जा रहे हो 10 दिन 15 दिन महीने भर 2 महीने भर के लिए, तो इसको MCB को आप बंद कर दो, तो क्या होगा, बैटरी अपनी ड्राई नहीं होगी, बैटरी के अंदर जितना भी चार्ज किया होगा वो चार्ज ऐसे ही रहेगा, बैटरी के अंदर से करंट खाली नहीं होगा, ठीक है। और ये बैटरी है अपनी, मैं बैटरी आपको निकाल के दिखा देता था, लेकिन बैटरी फिक्स की हुई है, बैटरी नहीं निकाल सकते इधर, ये अपनी है, ठीक है। और इसकी बैटरी की वारंटी आती है, 3 साल की वारंटी आती है बैटरी की, और चार्जर की वगैरह, मोटर की, कंट्रोलर की, मीटर की वगैरह, हर चीज़ पर वारंटी है इसके गाड़ी के अंदर। और इस चीज और अपनी इसके बैटरी पे 3 साल की मिल जाती है वारंटी, और चार्जर पे 1 साल और मोटर पे 1.5 साल की वारंटी मिल जाती है। और बिल्ड क्वालिटी में वगैरह गाड़ी बहुत ही अच्छी मजबूत है एकदम, बिल्ड क्वालिटी के बारे में आप बिल्कुल कंप्लेंट 0% कंप्लेंट है, गाड़ी के बारे में भी 0% कंप्लेंट है, और बहुत ही अच्छी गाड़ी है। और इस पे कम से कम 10 प्रोडक्ट पे वारंटी है, जो कंपनी की सर्विस डायरी के अंदर लिखी हुई आएगी, वो मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा भाई किस किस चीज़ पे वारंटी है, सब कुछ आपको बता दूंगा। और अगर आपके स्टेट में इस गाड़ी का प्राइस क्या है जानने के लिए, आप मेरे को अपने स्टेट का नाम और प्राइस लिख के कमेंट कर दो, तो मैं आपको अपने स्टेट में क्या प्राइस है मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि समझ लो आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र प्राइस, आंध्रा से हो तो आंध्रा प्राइस, ओडिशा से तो ओडिशा प्राइस, और कहाँ मिल जाएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, और ऑन रोड प्राइस क्या आएगी वो भी बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं हूँ वीडियो बना रहा हूँ राजस्थान से, तो राजस्थान में इसकी प्राइस अलग है, कर्नाटका में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, तो हर जगह थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस जानना है तो मेरे को कमेंट कर दो, तो मैं आपके स्टेट में गाड़ी कहाँ मिलेगी और प्राइस क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।